dream a lot of things in my life. You dream a dream, they dream a dream. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? आज हम आए हैं जी सिंतरा में, ठीक है। और देखें यार कितनी यहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं, ये देखें देखें जनाब साहब, वाह जी वाह, क्या क्या नज़ारा है। पानी वाह भाई दोस्तों, पानी है इसमें। तो जनाब साहब अभी हम जा रहे हैं ऊपर, इंशाल्लाह जब पार्क के अंदर एंटर हो गए तो फिर आपसे गपशप होती है। ओके गाइस टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पैलेस में ऊपर जा रहे हैं, तो हम ऊपर आ गए हैं और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सा उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत उन्होंने लाइटिंग सी दी हुई है, इसको कलर दिया हुआ है इसको। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको इस पैलेस के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिक सा बताऊँगा। और सबसे मज़े की बात ये, सिंतरा में सबसे मशहूर पैलेस ही यही है। इस पैलेस का नाम है, इसको बेसिकली पैलेस ऑफ द सिंतरा कहा जाता है, ठीक है। और इसका ऑफिशियल जो नाम है वो है पार्क एंड नेशनल पैलेस ऑफ द पेना, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड है, ओल्ड टच है इसमें। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में इसका बताऊँगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊँगा इसके म्यूज़ियम में। इसके म्यूज़ियम में बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने की चीज़ें हैं, आज से कोई 100 साल पहले की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो चलें देखते हैं और आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। चलिए तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ इस तरह है कि ये 12वीं सदी में इसको दरियाफ्त किया गया था, ठीक है। 12वीं सदी में ये जो है वहाँ की एक मालिका थी, उसका नाम था सोनोरा दे पेना। तो उसके लिए छोटा सा एक मकाम बनाया गया था वहाँ पर। तो फिर उसके बाद लेटर, उसके बाद तकरीबन कोई पता नहीं कितने टाइम बाद 1495 में जो मोंच आर्क्ड है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का इसको ऑर्डर दिया था कि इसको बड़ा सा महल बनाया जाए। तो उसके बाद जनाब साहब क्या हुआ जी, महल तो बना लिया उन्होंने, पर 1755 में लिस्बन में बहुत ही ख़तरनाक किस्म का यहाँ पर जलजला आया। तो उस जलजले की वजह से ये पूरा किला, पूरी इमारत बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी। इसमें कुछ चीज़ें इसमें बच गई थी जो कि इन्होंने बाद में 1834 में दरियाफ्त की, बाद में नीचे से पार्क से। तो दोस्तों उसके ठीक 2 साल बाद 1836 में जो वहाँ की मलका थी क्वीन मारिया, ठीक है, उसने शादी कर ली फर्नांडो से। तो फर्नांडो अपनी वाइफ की वजह से, क्वीन मारिया की वजह से वहाँ का बादशाह बन गया, वहाँ का किंग बन गया। तो उसने सिंतरा का विज़िट किया, तो उसको सिंतरा बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी जगह लगी। तो उसने फैसला किया कि मैं यहाँ पे अपना रॉयल फैमिली विज़िट के लिए यहाँ पे अपना एक छोटा सा घर बनाऊँगा, ठीक है। तो जिसको बाद में इन्होंने सोच विचार करने के बाद में इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैलेस बना दिया। तो जब उन्होंने इस पैलेस को बनाना शुरू किया तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा। इसकी दीवार उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनाई जो वहाँ के मॉडर्न तौर तरीके से बनाई जा रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे एक इंग्लिश पार्क भी बनाई जो कि पार्क बिल्कुल इस पैलेस के बिल्कुल साथ पे पाया जाता है। तो इसके साथ फिर एक छोटा सा वाकया ऐसा हुआ कि जो क्वीन थी मारिया, उनकी 1853 में डेथ होगी। तो जो उसका किंग था, जो उसका हावन था, उसने फिर जल्दी उसके फौत होने के बाद उसने दोबारा शादी कर ली ओपेरा सिंगर लेसा के साथ, ठीक है। तो इन दोनों ने मिल के फिर जो पार्क थी वहाँ पे, उस पार्क में इन्होंने चैलेट ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ एदला वहाँ पर इन्होंने बनाया, जो कि पैलेस की जो पार्क है वहाँ पे मौजूद है आज तक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप देखें तो वो सामने बिल्कुल कैसल है, सॉरी किला है, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट व्लॉग में जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग मस्ट वॉच कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस पैलेस का मैंने थोड़ा सा ड्रोन के साथ शॉट लिया था और बड़ी प्यारी सी वीडियो आई थी।
तो इसको मैं लास्ट में भी अटैच करने लगा हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अगेन कह रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have, the more I long for more, so this makes me realize that this world will never sigh.